क्या पहनी है। सो दीदी ने आज पहनी है साड़ी बहुत दिनों के बाद, एंड मैंने अभी चूड़ियाँ नहीं डाली हैं तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं फटाफट से आई हूँ किचन में क्योंकि आज है मकर संक्रांति। सो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि तैयार बाद में हूँ ही पूजा करूँगी, क्योंकि तैयार होना ज़रूरी होता है। अगर हम स्वागत हैं तो आपको तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो जी हाँ, आज मैं जब तक आपके साथ अपना ब्लॉग शेयर कर पाऊँगी तब तक आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। साथ ही साथ मैं बनाऊँगी खिचड़ी जिसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो जी हाँ, और आज मेरी सासू माँ का मतलब सुबह सुबह विश करते ही हैं कोई भी त्यौहार हो फेस्टिव हो तो मम्मी का ऑर्डर है कि साड़ी पहन के पूजा पाठ करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। शादीशुदा तभी लगते हो जब अच्छे से साड़ी पहन के बढ़िया तैयार हो के पूरी सुहागन की तरह, चाहे तीसों दिन तुम कैसी भी रहो, लेकिन जिस दिन खास तौर से त्यौहार का दिन हो उस दिन साड़ी पहनो। तो देख लीजिए आपके, हम भले ही यहाँ रहते हैं लेकिन जो मम्मी ने बोला तो उनका सराखों पर, और हमेशा उनकी यही सोच रहती है कि तीसों दिन कुछ भी पहनो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन त्यौहार के दिन थोड़ा सा ध्यान रख लो। ऐसा नहीं है कि वो ये बोलती है कि तुम्हें पहनना ही है, लेकिन हाँ ये है कि वो अपनी एक कहते ना कि अपना वो रखती हैं कि भाई कर लेना, तो मैं वही करती हूँ। तो चलिए फटाफट से हम दाल चढ़ाते हैं एंड उसके बाद अपन मैं थोड़ा सा तैयार होंगी, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम दाल चावल को बॉईल करेंगे, जिसके लिए मैं 1.5 कप दाल निकालूंगी और 2 कप चावल निकालूंगी, और इसमें क्या क्या डालूंगी मैं आगे बता दूंगी आपको। और इसमें सिर्फ सीटी लगाएंगे हम 2 से 3, क्योंकि अगर प्रेशर कुकर है तो 2 से 3 सीटी में चावल दाल दोनों पक जाते हैं। सो गाइस, इस छोटे से कप से मैंने क्या बोलते 1.5 कप दाल डाली हुई है और 2 कप मैंने यहाँ पे चावल का लिया हुआ है, और अब इसको मैं सीधी सीटी लगाऊंगी। इसमें सिर्फ हल्दी और नमक ऐड करूँगी, बाकी कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। सो इसमें मैंने हल्दी नमक डाल दिया है और हल्का सा ऑयल डाल दूंगी और इसको पका लूंगी 3-4 सीटी तक आने तक। सो गाइज, मैं किचन से आ गई हूँ अपने रूम में और यहाँ पे मैं हो रही हूँ तैयार। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टोनर, जो कि है आल्प्स गुडनेस का टोनर। हमारी स्किन की पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स की लिप बाम यूज़ की है, इससे आपके लिप्स काफ़ी अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्पल का ये 24 कैरेट गोल्ड ऑयल यूज़ किया है एज अ मॉइस्चराइज़र, एज अ सीरम, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ। इसकी तारीफ़ें करती मैं नहीं थक सकती हूँ, बिकॉज मैं इसको रेगुलर बेस पे यूज़ कर रही हूँ और इसका रिजल्ट जो मुझे मिला है वो अमेजिंग है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये गुड वाइब्स का एवोकाडो क्रीम, एंड ये क्रीम मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है। आपकी स्किन को ऑयल ऐसा नहीं दिखाती कि आप कोई ऑयली है, लेकिन आपकी स्किन पर अलग सी साइन आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे बाबू भी साथ ही साथ रेडी हो रहे थे क्योंकि उनको अपने ऑफिस निकलना था, तो मैं उनसे बोल रही थी शेविंग करवा लो, बहुत दिन हो गए हैं। तो जी हाँ, जब मैं ऐसे तैयार होती हूँ और कभी कभी ऐसे बाबू आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बेट इन वाइल्ड की ये आईब्रो पैलेट है मेरे पास, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो इससे मैं अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे मोडा कॉस्मेटिक का ये जो है क्या बोलते हैं कंसीलर, एज अ कंसीलर यूज़ किया है, कलर स्टिक है ये, और ये आप आईब्रो के अराउंड लगाएंगे तो इससे आपके आईब्रो काफ़ी शार्प एंड अच्छी दिखेंगी। एज अ कंसीलर इसे आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडिंग तो इसकी मस्ट हैव है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाते हैं। मेरी आईब्रो बिल्कुल भी नहीं बनी है लेकिन फिलिंग बहुत अच्छे से हो गई है। उसके बाद मैंने ये आई एम्स्टरडैम का फाउंडेशन यूज़ किया है, मेरा सीड नंबर है 02 और कंसीलर का भी 02 था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कितनी ज़्यादा अमेजिंग है, और ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये फाउंडेशन मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसकी लगती है, इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया हुआ है एंड थोड़ा थोड़ा करके मैं लगाऊँगी, डॉट डॉट करके ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे फाउंडेशन की एक मोटी लेयर नहीं चाहिए, पतली सी लेयर ही रहेगी। सो मैं इसको थोड़ा थोड़ा ही लगाने वाली हूँ और अच्छे से ब्लेंडिंग करूँगी, इसको ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है। ब्लेंडिंग के लिए मैंने यूज़ किया है पूना स्टोर का ये ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। डैब डैब करके आप इसे ब्लेंड कर लीजिए, आपका फाउंडेशन अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद आप
सॉरी लैक्मी का ये कॉम्पैक्ट है, इसको आप अच्छे से अपने फेस पे जहाँ पे आपको लग रहा है वहाँ पे लगा लीजिए। इससे आपका जो फाउंडेशन है वो क्रैक नहीं फील होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्रैक हो रहा है कहीं से। उसके बाद मैंने क्या बोलते आई मेकअप के लिए एक डार्क कलर लिया है जो कि मैं अपने आउटर वी से इनर वी तक ले जाऊँगी एंड इससे कट क्रीज टाइप बनाऊँगी। मैं कट क्रीज मेकअप नहीं कर रही हूँ, बट हाँ ये है कि एक शार्प लाइन ड्रॉ करूँगी जिससे मेरा आई मेकअप है जो परफेक्ट लगेगा। उसके बाद मैंने ग्रीन शेड लिया हुआ है, लेकिन वो ग्रीन एंड ब्लू है दोनों ही मिक्स है, तो मैं उसको अच्छे से अपने आई मेकअप में यूज़ करूँगी और इससे कलरफुल मैं आई मेकअप करूँगी क्योंकि पतंगों का टाइम है, पतंगे भी कलरफुल होती हैं, संक्रांति पे इस टाइप का मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई मेकअप मेरा डन हो चुका है। और अगर अगेन आप थोड़ा सा अपनी जो आपने कलर आउटर वी पे इनर वी पे लगाया हुआ है उसको शार्प कर लीजिए ताकि कोई अलग सी एजिस ना दिखे। सो आई मेकअप कहीं ना कहीं मेरा डन है। काजल के लिए मैं यहाँ पे लूँगी पर्पल का ये काजल, ब्लू काजल, एंड ये काजल लाइनर है। ये एज आ काजल आप इसे यूज़ कर सकते हो, एज आ लाइनर और एज आ आई शेडो यूज़ कर सकते हो। इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं, एक ब्लॉग में मैंने दिखाया भी था। एंड उसके बाद मैं उसी सेम पैलेट में से एक पिंक कलर लूँगी और उससे ब्लशर लगाऊंगी और उसी में हाईलाइटर कलर है तो उससे मैं हाईलाइट अपने फेस पे करूँगी अच्छे से। सो यहाँ पे मेरा एक ही आई शेडो पैलेट से काफ़ी सारे काम बन गए हैं, ये देख सकते हो। उसके बाद मैंने पर्पल का मस्कारा यूज़ किया है, ये मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छा है डेली बेसिस के लिए, तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं है और डेली बेसिस पे अगर आप वाटरप्रूफ मस्कारा लगाएंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी रिमूव करने में। पर्पल की मैंने यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ की है और ये लिपस्टिक शेड नंबर 6 है इसका, एंड ये लिपस्टिक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काइंड ऑफ ऑरेंज रेड है। और ये जो मुझे कलर है ना बहुत ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि मैं डार्क कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। सो ये देखिए मेरा मेकअप जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बस मुझे चूड़ियाँ पहननी है, मांग भरनी है। सो जी हाँ, मैंने यहाँ पे अपनी मांग भर ली है और जो है कान के इयररिंग भी पहन लिए हैं। कैसा लगा मेकअप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आई थिंक आपको अच्छा लगेगा, इस टाइप का मेकअप अच्छा लगता ही है। सो लाइट थोड़ी सी मैंने कम की है ताकि आपको मेकअप ढंग से नज़र आए। उसके बाद मैंने ये देख सकते हैं चूड़ियाँ डाल ली हैं। सो गाइस, तैयार होने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा, क्योंकि पूजा करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। और वैसे मैं हमेशा करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, बट आज मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, त्यौहार का दिन है और सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो इसी से होती है, खाने पीने की चीज़ें। तो बाद में खिचड़ी मुझे भगवान को चढ़ानी है, तो फिर मुझे मम्मी ने बताया कि आप कच्ची खिचड़ी भी चढ़ा सकते हो लाइक दाल चावल मिक्स करके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पल्ला लेके पूजा करूँगी क्योंकि कहते हैं ना शादी सुहागन हो तो पल्ला लेके ज़रूर पूजा करो। तो यहाँ पे मैं सब भगवान को अच्छे से टीका लगा दूँगी एंड उसके बाद मैं पूजा अपनी शुरू करूँगी। लड्डू, तिल के लड्डू चढ़ते हैं ना गणेश जी को, इनकी आज की पूजा जो होती है वो गणपति भगवान जी की होती है। सो तिल के लड्डू और जो गणपति है वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि खाली पाटे पे बैठे हैं, तो नहीं, उसके नीचे मैंने उनके नीचे मैंने जो गणपति जी हैं उनके नीचे मैंने चावल की एक लेयर मतलब बिछाई हुई है, नीचे नहीं बिठाया जाता भगवान को। पाटा मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सही रहता है, पाटा पे ज़रूर भगवान को रखना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने दीपक जलाया है, आरती करूँगी और पूजा जो हमारी है वो डन हो जाएगी क्योंकि बाबू चले गए थे, वो खाना खाने बस आएंगे तो इसीलिए अकेले पूजा करना पड़ रहा है। मिशिका की आरती सुन लीजिए आप लोग ध्यान से। सो गाइस, पूजा आप लोगों ने देखा हो चुकी है और मैं भी एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो चुकी हूँ और आप आज मेरा आई मेकअप देखिए। मैंने ब्लू कलर का लाइनर काजल लगाया हुआ है एंड ब्लू कलर की आई मेकअप किया हुआ है, ये काइंड ऑफ ग्रीन भी हो चुका था तो थोड़ा सा लाइक ज़्यादा। सो मैंने कुछ खिला खिला सा कलर आज कलरफुल बनने की कोशिश की है, ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है बट ग्रीन मेकअप नहीं किया, ब्लू मेकअप किया है, ब्लू आई मेकअप किया है, रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है। सो चलिए गाइस फटाफट से अब हमारे हम फटाफट से अपनी खिचड़ी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और बनाते हैं हम हमारी सिंपल सादा सी खिचड़ी। सो चलो
सो गाइस, खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आप ऑयल और घी दोनों मिक्स कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे घी डाला हुआ है। घी को अच्छा गर्म हो जाने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ राई, जिसको उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ज़ीरा, एंड उसके बाद मैं डालूँगी लौंग 4-5, और उसके बाद मैं डालूँगी हींग। तो खिचड़ी के लिए हींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो हींग आप ज़रूर ज़रूर डालिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कढ़ाई मेरी थोड़ी सी मोटी है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसका काम तमाम हो चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी गंदी सी दिखने लगी है, और साथ ही साथ इसका कुंदा जो है वो टूट गया है, जिसकी वजह से ये अच्छे से माँज नहीं पाते क्योंकि पकड़ में ही नहीं आती। तो मैंने हींग डालने के बाद और जब हो गया तो उसके बाद मिर्ची डाली, मिर्ची के बाद मैंने यहाँ पर प्याज डाली हुई है। प्याज को मैं थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी, जब तक ये अच्छी ब्राउन नहीं हो जाएगी तब तक। ब्राउन प्याज हो जाए उसके बाद आप चाहें तो साबुत अदरक लहसुन डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे साबुत नहीं डाला है, मैंने पेस्ट डाला हुआ है अदरक लहसुन का, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं था गाइस। मैं अकेली हूँ अभी, तो मुझे सारा कुछ खुद ही करना पड़ रहा है 3-4 दिन से, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि फटाफट जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ अपना। सो यहाँ पे मैंने जो वो था अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको अच्छे से पका लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है टमाटर की प्यूरी, जो कि 2 टमाटर हैं अच्छे से पीस लिए, उसके बाद मैंने इसमें डाले हुए हैं। मिर्ची आप लोगों को ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये मिर्ची काफ़ी मतलब फीकी है, तीखी नहीं है, और जो मैं खिचड़ी बना रही हूँ उसमें थोड़ा सा तीखापन अच्छा लगता है, लेकिन मैं पिसी मिर्च नहीं डालूँगी तो बिल्कुल तीखी नहीं होती है। सो यहाँ पे मैंने मटर और गोभी दोनों डाली हुई हैं। गोभी को मैंने काफ़ी बारीक काटा हुआ है ताकि जो गोभी है वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूँगी, नहीं तो ये पकेगा नहीं। तो नमक बिल्कुल ज़रा सा ऐड किया हुआ है, क्योंकि जब मैंने दाल चावल को बॉईल करके सीटी लगाई हुई है तो उस टाइम पे मैंने नमक का अच्छा खासा यूज़ कर लिया था। इसको मैं अच्छे से ढक दूँगी ताकि जो हमारा ये सब्जी है ये अच्छे से पक जाए। अगेन गाइज, आप लोगों को बोल रही हूँ कि कढ़ाई को थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज बर्तन की बड़ी कमी थी, क्योंकि मुझे लड्डू वड्डू भी बनाने थे तो उसमें काफ़ी सारे बर्तन यूजेस थे। उसके बाद जब मैंने ये सब्जी हो चुकी है, मतलब कि मटर और गोभी, उसके बाद मैंने इसमें खिचड़ी डाल दी है। अच्छे से खिचड़ी को चला लीजिए कुछ इस तरीके से। तो आप सोच रहे होंगे काफ़ी सारी खिचड़ी बनी है, तो जी हाँ, मैंने काफ़ी सारी बनाई हुई है, क्योंकि सानू दीदी हैं, मैं हूँ, बाबू हैं, तो खिचड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खप जाती है। अगर आप पापड़ अचार सैलेड रख लो तो खिचड़ी आराम से आप बहुत अच्छे से खा सकते हो। सो गाइज, इस तरीके से आप खिचड़ी ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। सो इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी भी, एटलीस्ट इसमें मैं 5 मिनट तक इसको पकाऊंगी स्लो गैस पे। तो जैसे ये पक जाए उसके बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसके बाद आप इसमें धनिया पत्ती से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो धनिया पत्ती मैंने डाल दी है, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, और फिर आप गरम गरम इसे सर्व भी कर सकते हैं, खा सकते हैं, और काफ़ी टेस्टी बनी थी गाइस। तो मैं आप लोगों को बस यही बोलूँगी कि एक बार ज़रूर ट्राई करना। इसको खाने के बाद मैं क्या करूँगी, बर्तन धोऊँगी। जी हाँ, क्योंकि अभी सारा कुछ मुझे ही करना है, तो जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ, मैं टाइम नहीं लगाती हूँ, ना मैं रोकती हूँ। खाना खाने के तुरंत बाद मैं अपने बर्तन धुलने लग गई थी ताकि किचन थोड़ी साफ़ सुथरी लगे। सो बर्तन भी काफ़ी सारे हो चुके थे, क्योंकि अभी त्यौहार का टाइम है, कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ खब रहा है। खैर, आज तो हमारे यहाँ पे खिचड़ी ही बनाई जाती है और कुछ चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं, तो स्पेशली खिचड़ी ही बनी थी। रात को क्या बना था मुझे याद ही नहीं। अच्छा, रात को हम लोग बाहर गए थे, ओके, तो मुझे तो याद ही नहीं था कि रात को मैंने क्या बनाया। और आई एम रियली सॉरी गाइज, मैं आप लोगों के साथ लड्डू की रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, बिकॉज लड्डू की रेसिपी मैं इसलिए शेयर नहीं कर पाई कि रात को मैंने बनाए हुए हैं, और साथ ही साथ सानू दीदी ने हेल्प भी की थी, तो वो ऐसे कि बिग बॉस देखते देखते हम लोगों ने बनाए थे, तो उसमें मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन लड्डू हमारे यहाँ बनते रहते, तो मैं कभी भी आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी, तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। यहाँ पे मेरी बर्तन जो हैं वो अच्छे से धुल गए हैं, सारे बर्तन को मैंने अच्छे से धुल लिया है। और मैं तो सबको यही बोलूँगी, और जैसे मैं खुद करती हूँ, कि कोई भी काम हो उसको छोड़ो मत, तुरंत करते जाओ। अगर हो जाता है ना, लगे हाथ तो हो ही जाता है, वरना फिर पता क्या होता है, आपने आलस खाया कि यार अब भी तो खाना खाया, क्या काम करना, फिर थोड़ी देर बाद तो थोड़ी थोड़ी करते करते रात हो जाती है और आपका काम वैसे का वैसा पड़ा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं कोई काम करूँ तो लगे हाथ सारा काम कर लूँ, तो मेरी तो आदत ऐसी ही है, और आई होप कि आप लोगों की भी ऐसी ही आदत होगी। मैं तो और आलसी हूँ थोड़ी सी, आप लोगों की तो मुझसे भी अच्छी हो सकती है।
जब तक गाइज मैं किचन में काम कर रही थी, खाना खा रही थी, तब तक डॉलर और मिशिका की हरकतें देखिए। ये रूम इतनी अच्छे से मैंने साफ़ किया हुआ था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, लेकिन ये मिशिका की करामात है कि मिशिका ने इस रूम को इतना गंदा कर लिया है डॉलर के साथ। खुद के कपड़े, बाबू के कपड़े, बाबू की तो आदत ही है, खैर उनकी तो आदत ही ख़राब है, क्या करते हैं जब कहीं तैयार होकर जाते हैं तो दो जोड़ी कपड़े निकालते हैं, एक जोड़ी पहनेंगे एक जोड़ी फेंक के जाएंगे, तो ये उनकी आदत ही है। यहाँ पर मैं अपने जो बिस्तर है उनको उठा रही हूँ क्योंकि मिशिका ने और डॉलर ने नीचे लगा के रखे थे ना, तो उसने फैला दिए हैं। ओढ़ के सो रही थी, उसको सुला रही थी, बोल रही थी और डॉलर ठंडी लग रही है ना, ठंडी। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, इंदौर में बिल्कुल ठंड कम हो चुकी है, यहाँ पे अब बिल्कुल ठंड नहीं पड़ रही है, तो इसीलिए मैंने स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ है। और आज तो जिस दिन मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो आज तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। तो जी हाँ, मैंने यहाँ पे अपने बिस्तर जो है वो ठीक कर लेने हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी झाड़ू भी लगा दूँगी क्योंकि काफ़ी गंदा कर दिया है। और मिशिका डॉलर सच पे, पहले तो एक बच्चा था, अब तो दो दो बच्चे हो गए हैं। और ख़ास तौर से अगर मिशिका को डांट दो तो वो जल्दी से गुस्सा नहीं होती, डॉलर को डांट दो ना एक कोने में बैठ जाता है और गुस्सा हो जाता है। सो यहाँ पर मैं इस बिस्तर पर बेडशीट लगा दूँगी क्योंकि डॉलर ज़्यादातर इसी पर सोता है, वो सुसु पॉटी वो नीचे करता है, ऊपर बिस्तर पर कभी नहीं करता, अब तो बिल्कुल भी नहीं करता। और तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस चादर को यहाँ पे बिछा देना है ताकि एक हीट मिले, वो कपड़े नहीं पहनता ना इसलिए, उसके कपड़े गाइज मैंने मंगाए हुए हैं, नहीं पहनता है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, पहना सकती हूँ बट मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ, वो रोता सा रहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैंने बहुत कोशिश की आदत डलवाने की बट उसको आदत ही नहीं है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सो ये रूम मेरा जो है ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरे तरीके से मैंने इसको क्लीन कर दिया है। सो गाइज क्या बोलते, सारा काम अभी हो चुका है, लेकिन आपने देखा कि ये वाला रूम जितने बुरे तरीके से मिशिका ने ख़राब कर दिया, उससे कई गुना ज़्यादा बुरे तरीके से मेरा बेडरूम एंड मेरा सोफ़ा वाला रूम ख़राब करके रख दिया है। हॉल की तो ऐसी हालत हो चुकी है, मटर आई थी तो उसके जो छिक्कल थे, जो मैं लाइक खिचड़ी बना रही थी तब, उसने पूरे निकाल निकाल के फेंक दिए, तो पूरा हॉल इतना गंदा हो चुका है। और आपको पता ही है कि डॉलर है, तो क्या किया उसने, डॉलर ने सूसू की होगी और वहीं पर इसने फैला दिए। और मेरे को अपनी अब टाइल्स पर नहीं नज़र आता ना कि सूसू कर लिए, ढूंढना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है। और मैंने सोचा चलो झाड़ू से निकालती हूँ, तो दोनों मिक्स हो गए, वॉशरूम एंड वॉल बहुत, अभी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा रह गई है। सो अभी मुझे फिर से क्लीनिंग करनी है। और यही होता है बच्चों के साथ, मतलब मैंने, अगर मैं हाउस हेल्पर की बात करूँ, मैंने रखी ही इसीलिए है क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, पूरे दिन काम होता है, पूरे दिन झाड़ू पोछा बर्तन, एंड अगर आप इसको नहीं देख रहे हो तब तो फिर आपका पूरे दिन काम है, काम ज़्यादा नहीं है लेकिन इनको देखना वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो अभी मुझे वो क्लीन करना है और उसके बाद बेडरूम क्लीन करना है, क्योंकि वो फैला पड़ा है और मेरा नहीं मतलब बन रहा है कि मैंने आप लोगों के साथ वही सेम चीज़ कल शेयर की कि झाड़ू पोछा और वही मैं आप फिर से दिखाऊं। तो मैं अब साड़ी को चेंज करूँगी क्योंकि जो भी पूजा पाठ थी वो मैंने साड़ी पहन के कर ली, आफ्टर ऑल मैंने सारा काम भी साड़ी पहन के ही किया है, आप लोग जैसा देख सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, मुझे इतना सारा झाड़ू पोछा करना है और साड़ी पूरी ख़राब हो जाएगी। और साथ ही साथ अभी मुझे यहाँ का पोछा निकालना है, जहाँ की आपने देखी मैंने हल्की सी क्लीनिंग की है, और फिर उसके बाद मुझे कोई काम करना है। एंड मिशिका को मैंने सुबह सुबह इतने अच्छे से तैयार कर लिया था, एकदम डॉल लग रही थी, और जैसे सारे बच्चे होते हैं वैसी वो हैं कि उन्होंने अपनी हालत ऐसी कर ली है कि पूछो मत, मतलब लगी है अभी भी उसका काम चल रहा है। ये देखो, ये देखो, से हाय। अभी भी काम ही चल रहा है उनका, और मुझे पता है कि मैं उस रूम में ठीक करके आऊँगी फिर ये रूम फैल जाएगा। तो जब तक मैं पूरा काम करके इनको अच्छे से लेके ना बैठ जाऊँ, तब तक मेरे अंदर यही लगा रहेगा कि अब फिर फैलाया इसने, फिर फैलाया इसने, फिर फैलाया। तो अभी तो फ़िलहाल मेरी दो दिन से ऐसी चटनी पिस रही है, और व्लॉगिंग वगैरह मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन उतनी अच्छे से प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ। सो आई जस्ट होप गाइस कि ये जो व्लॉग है आपको पसंद आएगा, मेक श्योर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कर लीजिएगा। संक्रांति पे पतंगे उड़ाई जाती हैं और हम लोगों ने भी सोचा था कि पतंगे उड़ाएंगे, लेकिन होता है यार, बाबू का काम निकल आया और वो वहाँ चले गए और बस मैं अपने काम में लग गई।
यही होता है, मतलब अगर अगर जैसे सरकारी काम हो ना, तो कभी कभी सरकार छुट्टी दे देती है, खास तौर से फेस्टिव में, लेकिन जो इनका काम होता है उसमें इनको और ज़्यादा काम पड़ जाता है जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन। वो तो भगवान कैसे क्या है, सैटरडे संडे ऑफ मिल जाता है कई बार। तो वो सैटरडे संडे जैसे अगर कोई काम नहीं है, मुझे मार्केट नहीं जाना है या मुझे करना कुछ काम नहीं है ऐसा खास, तो फिर वो अपनी जॉब पे ही जाना पसंद करते हैं। कहते हैं कुछ तो मतलब अच्छा कर पाऊँ और अच्छा कर पाऊँ दूसरे दिन छुट्टी ले लूँगा। तो ये है, 2 दिन की इनको छुट्टी मिल जाती है, बस यही मैं लकी समझती हूँ खुद को कि चलो यार हस्बैंड को 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है, वरना वो भी ना मिले। सो चलिए गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।